आज मैं आपको अंडा कड़ी बता रही हूँ, एकदम अलग तरीके से, अलग अंदाज में। इसके लिए मैं इसमें तेल डाल दी दोनों में, अपने अंडे को मैं थोड़ा सा हल्दी, थोड़ी सी मिर्चा और थोड़ी सी नमक डाल के इसे आज मैं इसे आलू के साथ बनाना बता रही हूँ। इसे भी आप अच्छे से कूट कर लें और छोटे छोटे हमारा अंडा भून रहा है। जब तक मैं अपने कढ़ाई में एक दालचीनी, दो लौंग, एक बड़ी इलायची डाल के क्रैकर होने देती, थोड़ी सी मैं इसमें जीरा भी डालूंगी। हमारा जीरा, अब मैं इसमें प्याज डाल देती हूँ। ये प्याज मैंने इसमें प्याज को थोड़ा, मैं ज़्यादा नहीं पकाती हूँ, थोड़ा सा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इस तरह का। इसमें थोड़ी सी लहसुन, थोड़ी सी अदरक, ये सब मैं पीस के अपने फ्रीज में रखती हूँ। हमारा प्याज भी ब्राउन होने तक मैं इसे भूनूंगी। मैं फ्लेम को थोड़ा तेज कर दी, ये देखिए। ये अंडा को मैं जान के तोड़ी हूँ, इसे मैं कट करके डालूंगी अपने एक कड़ी में। ये हमारा प्याज भून रहा है, अब मैं इसमें थोड़ी सी नमक, अराउंड आधा टी स्पून डाली दी। इसे भी मैं इसमें टमाटो को भी डाल दूंगी। आलू भी हमारा, वही मेरा देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है भून के। इसमें मैं एक कटी हरी मिर्च, इसका टेस्ट आता है इस कड़ी में बहुत अच्छी, डाल दी।
प्याज को भी मैं ज़्यादा नहीं पकाती हूँ। अब मैं इसमें थोड़ी सी 1/4 चम्मच मैं इसमें हल्दी डाली, थोड़ी सी धनिया पाउडर 1/2 चम्मच, कश्मीरी मिर्च और थोड़ी सी टाटा संपन्न की मैं मिर्चा पाउडर मंगाती हूँ, बहुत अच्छा होता है। टाटा संपन्न का कुछ भी आप मंगाओ वो बहुत अच्छा होता है। अब मैं इसमें थोड़ी सी पानी डाल के इसे भून, गैस का फ्लेम हमारा तेज है, हमारा अंडा भी भून चुका है। अब मैं इसमें थोड़ी सी नारियल पाउडर डालती हूँ, इसे भी मैं घर में बना के रखती हूँ, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है इस करी में। हमारा मसाला भी तेल छोड़ने लगा है। मसाला भी हमारा पक रहा है, तेल छोड़ रहा है। अब मैं इसमें थोड़ी सी जीरा पाउडर, थोड़ी सी बेसन, ये ग्रेवी में टेस्ट बहुत अच्छा लाता है। 1 चम्मच में चाय के चम्मच से 1 चम्मच इसमें बेसन भी डाल दी, थोड़ी सी पानी डाल के मैं इसे, ताकि मसाला मेरा जले नहीं। अब मैं इसमें अपने पहले आलू को डालूंगी। आलू को डाल दी मैं, अब मैं इसे छोटे छोटे ग्रेवी में टेस्ट आ जाता है, और ऐसे बिना भुना भी मैं डालती हूँ और थोड़ा सा भुना, इसे भी मैं कच्चा देती हूँ, इसे भी मैं इसको अपने एक करी में डालूंगी। छोटे क्यूब में छोटा छोटा टुकड़ा ही मैं कर दी हूँ इसे, ये देखिए तेल छोड़ दिया है। अब मैं इसमें थोड़े पानी और डाल देती हूँ। इसमें 2 क्यूब
जो मैं पीस के रखती हूँ। टमाटो टमाटो का मिक्सचर इसमें बहुत कुछ मैं डालती हूँ, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसी में बहुत सब्जी में डालती हूँ, बटर चिकन, बटर पनीर, कड़ाही पनीर, बहुत सारा डिशेज में दही से डालती हूँ। जब कभी पिज्ज़ा भी बनाती हूँ तो उसमें भी डालती हूँ। अब मैं इसमें थोड़ी सी चिली सॉस, जो कि ये भी मैं बना के रखती हूँ, चिली और टमाटो को उबाल देती हूँ और उसे रेड मिर्च, रेड चिली रहता है और टमाटो, दोनों को उबाल के बनाती हूँ मैं पीस के। इसे आइस ट्रे में जमा के रखती हूँ, ये भी बहुत अच्छा लगता है। छोटे छोटे चीज को अच्छे से व्यवस्थित कर लेने से हमारा जो खाना है जल्दी बन जाता है। दो मिनट में इसे ढक देती हूँ, थोड़ा सा आलू पक जाएगा और ग्रेवी भी अपना तेल छोड़ देगा। थोड़ी सी धनिया मैं स्टीम सहित इसमें डालती हूँ, इसका स्टीम बहुत अच्छा लगता है इसमें। थोड़ी सी धनिया पत्ता को मैं और दो तीन, अभी गर्मी है, दो तीन मैं पुदीना भी इसमें मिला देती हूँ, एक स्लेट किया हुआ ऊपर से हरी मिर्च। अब मैं इसमें अपने इसे डाल देती हूँ, सारे को मैं डाल दी। इससे बहुत अच्छा एक करी बनता है। आप मेरे इस रेसिपी को बना के देखें, बहुत मज़ा आएगा खाने में। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये बिल्कुल मैं डिफरेंट बनाती हूँ और ऑलवेज बनाती हूँ इसे। इसे आप पूरी, पराठा, रोटी, पुलाव सब के साथ खाओ, ये बहुत अच्छा बनता है। थोड़ी सी मैं इसमें भुनी हुई काजू को डाल देती हूँ क्रश करके। ये भी तीन चार है काजू इसमें, इसे मैं अच्छे से क्रश कर दी और डाल दी।
घर के लिए मैं इसमें थोड़ी सी चिली पाउडर और डाल दी हूँ। तो है ना गाइस, इसे बनाना आसान। देखिए कितना अच्छा कलर आया है हमारे एक कड़ी का। आप इस तरह, अब मैं इसे डिस आउट कर दूँ। ये देखिए, है ना गाइस, बनाना आसान। कितना जल्दी मैं इसे बनाई। आप भी मेरे अंदाज में कभी एक कड़ी बना के देखिए कितना अच्छा बनता है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को भी दबा दें। घर में रहे, सुरक्षित रहे और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। थैंक यू।